ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा डिफाइंड वेव, ठीक है, बट आपको याद रहना चाहिए डेफिनेशन क्या होता है. इट इज प्रपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस अगर प्रपोगेट हो रहा है, आगे जा रहा है, तो उसे बोलते हैं वेव. वेव का क्लासिफिकेशन आपके जो सिलेबस दिया उसमें क्लासिफिकेशन ही है मेन. वेव आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, दे आर लाइक दिस, ठीक है. ये वाली वेव आप लोगों ने वाटर के अंदर भी देखी होगी, ठीक है. ये वाली वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. ये वाली वेव में क्या होता है, ऑसिलेशंस, या फिर जो पार्टिकल एक्चुअली क्या, देखो वेव ऐसे जब जा रही हो ना, एक्चुअली कुछ जा नहीं रहा होता, ठीक है. जैसे इमेजिन आप लोग एक रोप को यहाँ से ऐसे रोप को पकड़ के ऐसे रोप को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे ऐसे वेव बनेगी, ठीक है. तो इसका मीनिंग नहीं कि रोप के पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं, रोप के पार्टिकल्स तो वहीं पे खड़े होके सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट ही होंगे. तो ये वाले केस में क्या होता है ट्रांसवर्स वेव में, याद रखना, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ठीक है, ऑसिलेशन की डायरेक्शन ऊपर नीचे, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडल वेव में क्या होती है, इमेजिन अ स्प्रिंग, ठीक है. स्प्रिंग को अगर हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं तो ऐसा कुछ वेव जैसा बन जाता है. इमेजिन यहां पे ऐसा है, ठीक है, और यहां पे आप खड़े हो. अगर स्प्रिंग को इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, आगे पीछे करें, दैट के स्प्रिंग का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं कहीं पे ऐसा मिल जाएगी, फिर कहीं दूर होगी. इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. इस केस में जो भी ऑसिलेशंस हो रहे हैं दे आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन is parallel to direction of a propagation. दोनों एक ही direction में होते हैं. इसका example है light wave. इसका example है sound wave. ये example बहुत सारे हो सकते हैं, पर अभी के लिए इतने उसके classification है, transverse और longitudinal. और भी क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन. वेव का जो क्लासिफिकेशन है वैसे भी कर सकते हैं. वेव आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड पार्टिकल मीडियम ना हो तो वो प्रोपोगेट नहीं हो सकती, लाइक साउंड वेव, ठीक है. साउंड वेव जो है इट इज अ मैकेनिकल वेव. वैक्यूम में जाके कितना भी चिल्लाओ किसी को सुनाई नहीं देगा. इवन इफ यू गो ऑन मून और मून पे अगर आप लोग चिल्लाते हो तो सामने वाले को नहीं सुनाई देगा. क्या रीजन है, साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव. उसको पार्टिकल मीडियम चाहिए, उसको एटमोसफियर चाहिए, एटमोसफियर के पार्टिकल्स चाहिए. नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं, नो पार्टिकल मीडियम रिक्वायर्ड. इसका एग्जाम्पल है लाइट, ठीक है. लाइट वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, इसमें कोई पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती.